हम सड़क पर बैठे, हमारा उद्देश्य बिल्कुल ना सड़क जाम करना है, ना किसी को परेशान करना है। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारी धाने 27 दिन से जहां शासन ने आदेश किया वहां रखी हैं। अब शासन कह रहा है कि इस माल को यहां से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करो, किसान उस माल को शिफ्ट नहीं करेगा। हमारा माल जहां रखा वहीं तुलना चाहिए, हमारी एक मांग ये है। दूसरी मांग है कि आज से एक डेढ़ माह पहले इसी प्रकार जब मटर में हुआ था तो प्रशासन ने कहा था कि 700 रुपए प्रति बोरे देंगे, क्या आज तक दिया? बाद में कह दिया आरबीसी में प्रावधान नहीं है। तो सक्षम अधिकारी आए, हमसे बातचीत करे, हमारा माल तुलवाए। 27 दिन हो गए सर, 6 महीने से 7 महीने से किसान धान पैदा कर रहा है, इसी किसी सरकारी अधिकारी की 1 महीने की तनख्वाह अगर रोक देंगे तो हाहाकार मच जाएगा। हम 7 महीने से रुके हुए हैं, 27 दिन से हम वहां सो रहे हैं, ओस गिर रही, पानी गिर रहा, हम वहीं सो रहे क्योंकि हमारी सब पूरी जीवन भर की कमाई वहां है। और ऊपर से पीएस कहते हैं बीसी में सार्वजनिक रूप से कि जबलपुर का किसान चोर है, तो हम लोग चोर भी हुए, हमारा ही माल पड़ा है, हम ही वहां 27 दिन से रुक रहे हैं। या तो लिखित आदेश दे दे कि जबलपुर की धान खरीदी नहीं होगी, हम फ्री हो जाएं, या फिर वहां से खरीदें जहां रखवाई है। हमने अपने मन से नहीं रखी, इन्होंने रखवाई है, प्रशासन ने हमसे, इन्होंने बाकायदा आदेश जारी किए हैं, हमारे वेयरहाउस पे बैनर टांगे हैं, खरीदी चालू की है, बारदाना वहां रखा है, तब हमने ले जाके वहां धान रखी है। और आज कह रहा है कि आप वहां से अलग कर लो, आप जो चाहे वो करोगे, और किसान चोर। हमारा पीएस कहता हमसे, हमने सरकार बनाई साहब अभी, और हमारा पीएस हमसे कह रहा है कि हम चोर हैं। और वो भोपाल में बैठा एक रात तो यहाँ आके बस से आके किसान के साथ लाइन तो बदले जरा, 2 बजे जब ये लाइन देते हैं मध्य प्रदेश शासन के, जब लाइट आती है आए ना 2 बजे एक बार हमारे साथ, फिर पता चलेगा कौन चोर है और कौन साहूकार है। मुझे लगता है कि सिर्फ प्रशासन की मंशा, मतलब शासन की मंशा ठीक है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इतने बेईमान हो चुके हैं, खासतौर पर ये खरीदी से जुड़े हुए अधिकारी, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनका माई बाप पैसा है, उनकी तनख्वाह से पेट नहीं भरता, हर किसान से 100-150 रुपए चाहिए क्विंटल पे, एक ही मंशा है पैसा चाहिए। अभी हम पैसा दे दें 150 रुपए अभी वहीं तुल जाएगी, जितने वेयरहाउस मालिक हैं सबसे 2-2 लाख रुपए लेकर केंद्र बनाए हैं, ओपन कह रहा हूं आपके सामने, इतने बड़े बड़े पेट हो गए हैं वो जो कलेक्ट्रेट में बैठते हैं उनके, कहां जाएगा किसान सर, हर जगह किसान मरेगा। अभी मूंग की खरीदी हुई, पेमेंट किसान की रुकी, इसके बाद मटर खराब हुआ, मरा किसान, धान की बारी आई, मरा किसान। अरे भारत का किसान है साहब, अगर एक दिन अनाज पैदा नहीं करेगा क्या खाएंगे ये लोग जो कलेक्ट्रेट बैठते हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती, जब तक पीएस साहब ये नहीं कहते हैं कि हम चोर नहीं है, और नहीं तो कहेंगे तो हम बैठेंगे, हमें डाल दो जेल में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मर तो वैसे ही रहे हैं, हमारे कपड़े आधे तो प्रशासन ने उतारे ही लिए हैं इन अधिकारियों ने, इनके पास कपड़े कम है कलेक्ट्रेट में, हमारे कपड़े ले जाएंगे। आनंद मोहन पल्हा, ये भूखे पेट की गर्मी है, भूखे पेट की गर्मी है। हम वेयरहाउस मालिक हैं और किसान भी हैं, हमसे बोला गया कि आपके वेयरहाउस में समिति मैप हो गई है, आप तौल के लिए तैयार रहिए। 45 वेयरहाउस मालिकों को तौल के लिए तैयार किया गया, हमने बढ़िया टेबल कुर्सी बनाई, टॉयलेट सब साफ किए, भोपाल लिस्ट गई, भोपाल से ब्लैक लिस्ट की आर्डर आ गए कि आपके वो गोदाम चेक होंगे, हम हतप्रभ रह गए, किसान का माल डालना जुर्म हो गया, हम चोर हो गए। तो हमने कहा भैया अब कपड़े ऐसे उतार के बैठो, भूखे ही पेट सही, हम लोगों को 18-18 महीने किराया नहीं मिलता, ऊपर से ब्लैक लिस्ट की गाज, फिर 42 वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट होना थे, 6 रात और रात सफेद सूची में आ गए, ऐसा कैसे? अभी 36 और कह रहे कि 36 वाले और अप्रोच लगाएं तो हम 36 को भी बहाल कर देंगे। हमने चूंकि किसान का माल डंप किया बाजू में, खेत किराए से लेके डंप किया, हमको उन्होंने दोषी माना कि आप चोर हो, आपने किसान का माल डंप क्यों किया? बताइए तो शासन की योजना है कि आप वेयर हाउस बनाओ, किसान का माल रखो, हम किराया देंगे, अब इसमें चोर कहां से आ गया? आप बताइए जरा। नहीं, इरादा तो इरादा प्रशासन हमारे ब्लैक लिस्ट वेयर हाउस हटा दे, जहां माल डंप है किसानों का बेचारों का, वहां वहीं तौल के अंदर रख दे, बस लड़ाई ये है। अब वो अपनी जिद पे है कि किसान बेचारा फिर से पर ट्राली 1200 खर्च करे, उठाए और फिर 12-12 किलोमीटर दूर जाए, ये सब सेटिंग का खेल चल रहा है। मतलब हमारा वेयर हाउस खत्म, अब इनका वेयर हाउस खत्म, दूसरे का चालू होगा जो 12 किलोमीटर दूर है। अब किसान पानी सिर पे है, आप देखिए, हंसी मजाक की बात नहीं, पानी सिर पे है, किसान क्या करेगा बताओ? किसी के घर में विवाह होना है, किसी के घर में कोई लगुन लेके जा रहा है, कोई कहीं जा रहा, किसी को ट्रैक्टर की किस्त भरना है, किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मानसून ऐसा हो रहा है जैसे मानसून आ रहा है, पानी गिर रहा है, अब कहां ले जाएगा बताओ?
जब तक मांग पूरी नहीं होगी। सुशील शर्मा, आज कुछ किसान और वेयरहाउस मालिक की जान के लिए क्या है? जैसा कि आप कह रहे हो, सामने देख पा रहे हो, उन्होंने जो मांगे रखी थी वो हमने सुन ली है और शासन तक पहुंचा दिए हैं। अभी किसान रजामंद हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में जाम खुल जाएगा जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। अभी थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया लेकिन अभी खुल जाएगा, बात हो गई हमारी और सकारात्मक रही। वो धान खरीदी से संबंधित है, जो भी शासन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग खरीदी से संबंधित उनसे बात हो गई है और समाधान हो गया समस्या का।